भाई कटड़ी की उम्र है 20 महीना। ठीक है ठीक है। और इसी भैंस की कटड़ी है। अच्छा। और 4 महीने की प्रेग्नेंट है चेक पर। तो इसके साथ ये कटड़ी साथ में ही दे देंगे। साथ में दे देंगे। संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बारिश का मौसम और उसमें काफ़ी लंबे समय के बाद एक वीडियो लेकर के आए हैं गाभिन जो भैंसे हैं उनकी, गाभिन बाकड़ी भैंसे प्लस में एक से दो जो हीफर्स हैं वो दिखाएंगे। जिला रेवाड़ी का गाँव है निमोट और किरसन निमोट सर के घर आंगन में पहुंचे हैं। किरसन सर आप यहां पे देखें, काफी लंबे समय के बाद इनके यहां से वीडियो कवर हो रही है। तो एक एक पशुधन की डिटेल्स जानेंगे क्योंकि अभी इस सीजन में ताजा व्याय हुआ पशुधन ज्यादा चल रहा है जो थोड़ा सा महंगा भी है और काफी सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड रहती है कि जो गाभिन बाकड़ी भैंसे हैं कहीं ना कहीं वो दिखाई जाएं ताकि उनके बजट में भी हों और आगे चल करके अच्छा जो दुग्ध उत्पादन क्षमता हो वो उनके उस पशुधन में देखने को मिले। तो उसी की तर्ज पे आज 2 से 3 भैंसे आपको दिखाएंगे, साथ में 2 से 3 जो हीफर्स हैं किरसन सर के डेयरी फार्म से, वो एक मुर्रा पशुधन के लोकप्रिय चेहरे शुरू से लेकर के लास्ट तक रहे हैं, अच्छा पशुधन दिखाते रहते हैं। न सिर्फ भैंसे बल्कि जो कटड़ियों का व्यापार है वो भी बखूबी इन्होंने ईमानदारी के साथ काफ़ी अच्छा खासा किया। तो सीधा लेकर के चलते हैं किरसन सर के पास, जानेंगे कि एक पशुधन की डिटेल्स। नमस्कार किरसन जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो सर आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। तो कैसी रही आपकी कावड़? कावड़ बढ़िया रही, कावड़ अच्छी रही। तो शिव भोले के भक्त हैं देखें, और कावड़ लेने गए थे इसी वजह से जो वीडियो है वो कवर नहीं कर पा रहे थे। आज कितना पशुधन दिखाएंगे सर? आज ये 2 तोकड़ जोड़ती है और 3 कटिया है। ठीक है, तो शुरू करेंगे यहाँ से, क्या कुछ डिटेल्स हैं एक बार बताइए। तीसरी बार ब्याई हुई है। ठीक है ठीक है। और इसके नीचे अब दूध है फिलहाल 9 किलो। ठीक है, नीचे कटिया है। कितने दिन का ब्याई हो गई? ब्याई हो गई लगभग 6-7 महीने। 6-7 महीने की या? अच्छा, जब नहीं हुई। ठीक है ठीक है। ताजा ने दूध है 20.5 किलो। 20.5 किलो ताजा ने। ठीक है, ओरिजिनल तुला हुआ इसका। ठीक है, रिकॉर्ड भी हुआ था इसका। तो इसके साथ ये कटड़ी साथ में ही दे देंगे? साथ में दे देंगे। तो तीसरे ब्याह का पशुधन? अच्छा, चिक्के की इसकी परली भी इसी की है, पूछ में सफेद बाल आ रखे हैं। है? तो देखें जी, थर्ड लैक्टेशन का जो पशुधन है वो काफी शानदार जो पीठ पुट्ठा है उसमें, और ये आप देख सकते हैं करीब करीब 6 से 7 महीने का ब्याया हुआ, हाल फिलहाल में 9 किलो दूध मौके पे तैयार। सर खोलें एक बार इसको, घुमाएं। तो जितना भी पशुधन दिखाते हैं सारा साफ सुथरा अच्छा पशुधन, ये पशुधन देखें तीसरे ब्यात में, हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन शक्ल सूरत देखें, अडर की क्वालिटी देखें। ताज़ा ब्याई ने 20 किलो जो दूध है वो करीब ये सुआ। अरे के कर रहा है बेकूप, यो टीका तो कति जहर का टीका है, यो मत लाइए के देवी। इसने एलडीएम पे सही टाइम पर दूध ना देना, मेरा आगे कान पकड़ लिया। बात देवा देवा दनी, तुमने सारे भाइयों ने बताऊं अपने पशुओं ने एलडीएम पाओ, क्षमा पे पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। यह एलडीएम ना हरेक मेडिकल स्टोर पर मिल लेगी, और ऑनलाइन मंगान खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो, और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना 80,595,37,000 में फोन कर दे रखा है। नीचे हशपुष फीमेल काफ M29 की बता रहे हैं, ले आओ सर। तो अच्छा पशुधन वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जो दिखाने का प्रयास है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोगों का रहता है,
और उसी की तर्ज पे जो पशुधन है वो। सर एक बार फिर से लेकर के जाएं थोड़ा सा मैं बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं है, आराम से ले जाओ। ये देखे जी फिर से जो डिटेल्स हैं आप सब पशुपालक भाइयों के साथ, थर्ड लैक्टेशन 6 से 7 महीने का ब्याया हुआ जो पशुधन है वो, पीठ पुट्ठा देखें, अडर की क्वालिटी देखें, काफ़ी बेहतरीन काफ़ी शानदार, और नीचे हशपुश जो फीमेल काफ है वो। तो आराम से लेके आओ कृष्ण जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आराम से ले आओ आराम से। तो ये पशुधन देखिए जी, काफी लाजवाब जो पशुधन है वो। तो क्या कुछ मोल भाव रखेंगे सर एक बार बताएं प्लीज। रेट भैया इसका संदीप 75,000 रुपए फिक्स, 75,000 रुपए में फीमेल काफ भी साथ में ही है। हाँ, कटनी समेत है। ठीक है, अब आते हैं एक काफी जो सुंदरता से भरपूर, जिसकी वजह से इनको हमेशा जाना जाता है, अच्छी जो गैबिन कटड़ियां हैं वो लेकर के आते हैं। एक और काफी हशपुश सुंदर जो कटड़ी है वो इनके घर आंगन से, क्या कुछ डिटेल्स हैं कृष्ण जी? कटड़ी की उम्र है 20 महीना। ठीक है ठीक है, और इसी भैंस की कटड़ी है। अच्छा, और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। चेकपॉट 4 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। तो मदर का मिल्क रिकॉर्ड आप 20 किलो बता ही रहे हो। हाँ। ठीक है, फादर साइड क्या कुछ है? M29 की 20 महीना, और उम्र टैग से भी देख सकते हैं आराम से। फेस वैल्यू आप देखे जी काफी बेहतरीन, और 20 महीने की उम्र करीब करीब 4 महीने का जो गैबिन पशु है वो। तो किससे इसको गैबिन करा है? M29 से। और सिंगो की क्वालिटी देखें, फेस वैल्यू काफी सुंदर काफी जबरदस्त। खोले सर इसको एक बार, ये देख सकते हैं जी, अच्छा पशुधन लेकर के आए हैं। भले ही काफी समय के बाद जो वीडियो है वो कवर हो रही है, लेकिन जितना भी दिखाएंगे साफ सुथरा जो खरा पशुधन है वो। पीठ पुट्ठा देखें हीफर का, काफी बेहतरीन काफी लाजवाब, और 20 महीने की उम्र 4 महीने की जो गैबिन है प्रेग्नेंट है वो। और मदर इनके डेयरी फार्म पे जो बाकड़ी भैंस पहले मैंने आपको दिखाई वही, और पशुधन आप देखें काफी बेहतरीन। ठीक है सर ले आओ। तो जितना भी चाहे वो हीफर्स हो या फिर भैंसे हो, अच्छा पशुधन शुरू से लेकर के लास्ट तक रखते रहते हैं। ये देखे जी चेहरा मोरा हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा काफी जबरदस्त काफी लाजवाब, 4 महीने की चेक पास प्रेग्नेंट। क्या कुछ मोल भाव रखेंगे सर? इसका रेट भाई संदीप 65,000 रुपए फिक्स रेट, 65,000 रुपए। ये देखे काफी अच्छा जो रेट है, वाजिब दाम कह सकते हैं हम लोग। अगले पशुधन पे आएंगे सर बताएं। ये भैया दूसरी बार ब्याई है। ठीक है, और नीचे कटी है 3 महीने की ब्याई हो गई। ठीक है, और आज दूध होगा 8 किलो के आसपास। अच्छा 8 किलो है, 10 किलो थे डॉक्टर कर रही। ठीक है, विज्ञापन करने खातर मतलब। अच्छा, और तो दांतों में 6 है, प्रेग्नेंट है? नहीं है। सेकेंड लैक्टेशन में दांतों में 6, नीचे जो हशपुष्ट फीमेल काफ है वो आप देखें, करीब करीब 3 महीने का जो ब्याय हुआ पशुधन वो, और 8 किलो जो दूध है वो मौके पे तैयार, अभी जो हिट में आने के पूरे पूरे चांसेस पशुधन के मैं कहूंगा। तो खोल के नहीं घुमा सकते इसको? घुमा दोगे? घुमा दो सर, कोई बात नहीं। ये देखिए जी सेकेंड लैक्टेशन में शक्ल सूरत चेहरा मोरा पीठ पुट्ठा देखें, काफी बेहतरीन काफी लाजवाब, और जितना भी पशुधन दिखाते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक, अच्छा पशुधन इसी वजह से इनको जाना जाता है वाजिब दाम में। अभी तक 2 पशुधन का जो रेट है वो इन्होंने कंफर्म किया, तीसरे वाला देखें सेकंड लैक्टेशन में काफी जबरदस्त पीठ पुट्ठा। ठीक है सर ले आओ। और उसके बावजूद 3 महीने का ब्याया हुआ पशुधन, 8 लीटर मौके पे दूध, साथ में जो फीमेल काफ है वो। ये देखें जी काफी बेहतरीन काफी लाजवाब, ये देखें अडर की क्वालिटी काफी अच्छी खासी, जो टीथ स्पेसिंग है वो भी काफी अच्छी खासी। क्या कुछ मोल भाव करेंगे सर? भैया इसका 75,000 रुपए बिल्कुल फिक्स, 75,000 रुपए। अच्छा एक ही जगह से आ रहे थे? ठीक है ठीक है ठीक है। तो पीक टाइम पे क्या कुछ दूध था सर इसका? 17 लीटर दूध। ठीक है, अगला पशुधन बताएं प्लीज। या भाई 8 महीने की कंप्लीट वैली। ठीक है, यानी कि 9 माह लग जाएगी 2 दिन बाद। ठीक है, और दूसरी बार दूध 13 किलो। ठीक है, तीसरी बार भी आओगी भैया? तीसरी बार। हाँ जी। तो 8 महीने की चेक पास गैबिन और सेकेंड लैक्टेशन में। अच्छा थी उस टाइम पे, तो सेल नहीं करी आपने या?
वापिस दे दिए। बहुत अच्छी बात है सर, साई वैसे भी किसी की रखनी नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूंगा वीडियो के माध्यम से। ये पशुधन आप देखे जी, तीसरे बार बच्चे को जन्म देगी, 8 महीने की कंप्लीट चेक पास प्रेग्नेंट, 9वें महीने में लगेगी अभी या लग चुकी है? 2 दिन बाद लगेगी। और सेकेंड लैक्टेशन में दूध कितना दिया था? 13 लीटर दूध। तो अभी दूध वगैरह तो दे नहीं रही, तो प्रेग्नेंट किससे कराया जी? नहीं पता इसका। पशुधन का स्वभाव देखें, किसी तरह का कोई उतावलापन नहीं। बारिश में शाम के समय करीब करीब 5:30 बजे के अराउंड में जो वीडियो है वो कवर कर रहा हूँ, और काफी अच्छा पशुधन। सर घुमाएं एक बार इसको भी, ये देखे जी, तो मोरी के निशान पड़े हुए हैं। कृष्ण जी संभालते कम हो। हाँ हाँ ठीक है, आप तो कावड़ में बिजी थे, परिवार को समय नहीं मिला होगा शायद। ये देखें, थर्ड लैक्टेशन में अब की बार बच्चे को जन्म देगी, और पशुधन देख सकते हैं जी, लानपान अच्छा खासा, पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा, और आर्डर जब भर करके आएगी, ठीक है सर ले आओ, जब अपने समय पे भर के आएगी तो कुछ और ही जो लेवा है, जो आर्डर है वो इस पशुधन में देखने को मिलेगा। पशुधन आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब। क्या कुछ मोल भाव रखेंगे सर? 65,000 रुपए में आपको मिल रहा है थर्ड लैक्टेशन का अच्छा खासा जो पशुधन है वो। और अब आते हैं लास्ट में, एक और हीफर इन्होंने अपने घर आंगन में खड़ी कर रखी है, लेकर के आए हैं। क्या कुछ डिटेल्स हैं कृष्ण जी बताएं? 4 दांत हो गया, ठीक है, और 7 महीने की क्या 22 तारीख में होली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसकी माने दूर दियो से 18 किलो, 2 थनी थी। अच्छा, हमारे घर को जन्म से को, ठीक है, मतलब 3 साल उम्र होगी इसकी। दांतों में 4, 7 महीने की चेक पास प्रेग्नेंट, 22 को होली 7 की। अच्छा, 22 तारीख को 7 महीने की कंप्लीट हो गई है। तो माँ 2 थनों वाली थी 18 किलो दूध, 18 किलो दूध, ठीक है। तो फादर साइड क्या कुछ है इसकी? ये नहीं पता अभी, किससे कैबिन कराया इसको ये भी नहीं पता। खोले एक बार, घुमाए इसको, जितना भी पशुधन दिखाते हैं सारा साफ सुथरा। एक और हीफर देखें, 7 महीने की कंप्लीट चेक पास जो प्रेग्नेंट है वो। हाइट देखें, काफ़ी अच्छी खासी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट में, और काफ़ी सुंदर जो हीफर है वो। माँ 2 थनों वाली, जिसको घर और व्यापार में हम लोग शुभ मानते हैं, वो थी। 18 लीटर जो दूध है वो उसने दे रखा था। और किसकी बेटी है, किससे प्रेग्नेंट है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इसके इनके पास है नहीं, ठीक है सर ले आओ। तो जितनी भी जानकारी मिलती है वो साफ और सटीक जानकारी, अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो ओबियसली वो देना ही पसंद नहीं करेंगे। क्या कुछ मोल भाव रखेंगे सर? भैया इसका 65,000 रुपये फिक्स। 65,000 रुपये आज काफी वाजिब दाम कर रखा है, सेल लगा रखी है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक मिल्किंग वीडियो कृष्ण सर के यहाँ से रेफरेंसिक तौर पर लेकर के आए हैं आप सब पशुपालक भाइयों के सामने। कृष्ण जी का कहना है, काफी सारे पशुपालक भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि पता नहीं जितना दूध बताया है शायद उतना हो या ना हो, तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए एक लाइव मिल्किंग लेकर के आए हैं। जो 2 बाकड़ी भैंसे इनके डेयरी फार्म से आप लोग देख पा रहे हो, वो उनकी जो मिल्किंग है वो कवर कर रहा हूँ। देखें दाने चारे के ऊपर लगा करके फिर शुरुआत करते हैं। बेटा बाल्टी दिखा दो एक बार, ये देखें, ठीक है करें जी शुरू करें। तो एक के नीचे जो इनकी धर्मपत्नी जी हैं वो बैठी हैं, खाली बाल्टी दिखा देना जी एक बार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, करें शुरू करें। तो बारिश का समय आप यहाँ पे देख रहे हैं, बारिश देख रहे हैं। राम जी जो भगवान हैं, प्रभु ने अच्छा झमाझम जिसको हम झड़ कहते हैं बारिश में, वो लगा रखा है। और जब गुरुग्राम से निकले तो सारे रास्ते जो बारिश है वो होती आई थी। क्या हुआ बेटा, पावसी नहीं अच्छे से? अच्छा कोई बात नहीं, पावसा लो आराम से। ये देख सकते हैं जी, अच्छा पशुधन, वाजिब दाम, और कोशिश कहीं ना कहीं रहती है कि दूध वगैरह सारी चीज़ें दिखा करके उसके बाद उस पशुधन को लेने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये पशुधन आप देख सकते हैं, पावस गई। अच्छा जल्दी मत करो, कोई बात नहीं। तो माफी चाहूंगा, एक हाथ में छाता है, इसी वजह से जो समय है वो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, बारिश हो रही है, और दूसरे हाथ में कैमरा। तो समय करीब करीब
6:45 का जो समय है शाम के करीबन, क्या टाइम हो गया कृष्ण जी? 5:50, मैंने सही बताया था, 5:50 शाम का समय जो मिल्किंग वीडियो है एक रेफरेंसिक तौर पे, वो आप देख रहे हैं। ये देखें जी, तो कहीं ना कहीं लोगों की भी मजबूरी हो जाती है इतने सारे पशुधन को बारिश के मौसम में मेंटेन करके चलना अपने आप में बहुत औखा काम है जी। फिर भी मेहनत और लगन के साथ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो रहती है। क्या हुआ, आपको बैठने नहीं दे रही? अच्छा, वहाँ पे महिला कोई निकालती थी, ठीक है। ये देखिए जी, तो कृष्ण सर के सुपुत्र हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, स्कूल के साथ साथ जो एक चैनल है छोटा सा वो भी इन्होंने क्रिएट कर रखा है अपना खुद का, अच्छे अपने घर के जो पशु हैं वो प्रमोट करते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो उस चैनल का नाम भी मैं अपने पशु पालक भाइयों के साथ साझा करना चाहूँगा, ताकि अगर रोज़ तो देखो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता वीडियो बना करके डालना एक ही प्लेटफॉर्म एक ही जगह से, तो टाइम टू टाइम अपडेट में जो पशुधन है वो आपके पास रेगुलरली पहुंचते रहेंगे। इसके लिए कृष्ण सर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, नाम है यादव डेयरी फार्म निमोट, और काफ़ी अच्छा पशुधन आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो आप अगले थनों का दूध है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो रेगुलर अपडेट में रहने के लिए इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो युवा पीढ़ी है, जो इनके युवा बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उन न सिर्फ उनका हौसला बढ़े बल्कि कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो पशुधन है वो देखने को मिले। तो जितना भी पशुधन दिखाया है सारा वाजिब दाम का, 70,000 का तो कोई नहीं था, 65,000 और 75,000 रुपये में आपको मिल रहा है। हाँ जी, 2 75 75 की हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, तो कृष्ण जी का कहना था कि जो दूध की शंका है, अगर कोई पशुपालक भाई इस वीडियो को देख पाता है, उनकी जो शंका है वो दूर हो जाती है और इनका पशुधन आसानी से सेल हो जाएगा, इसी वजह से जो एक मिल्किंग वीडियो है वो रेफरेंस के तौर पे। बाकी एक पशुधन में 9 लीटर के करीबन जो दूध है वो बता रहे हैं, एक में 8 लीटर जो दूध है वो बता रहे हैं, तो दोनों का जल्द ही जो दूध होगा वो आपके सामने ही आ जाएगा। ये देखिए जी, छोटे नन्हे बच्चे स्कूल के साथ साथ जो घर का कामकाज है उसको संभालते हैं, और जिससे न सिर्फ माता पिता का जो उनकी मदद हो जाती है, बल्कि कहीं ना कहीं इनको भी अच्छा अनुभव कि पशुधन की केयर टेकिंग कैसे करी जाती है और दूध वगैरह कैसे निकाला जाता है, क्या खाने में पसंद करेंगी क्या नहीं करेंगी, काफ़ी कुछ जानकारी काफ़ी कुछ अनुभव इनको भी सीखने को मिलता रहता है। तो इसी वजह से सर के जो दोनों सुपुत्र हैं लगे रहते हैं, जितनी बार भी इनके यहाँ पर विजिट हुई, काफ़ी मेहनती बच्चे दोनों। ये देखिए जी, एक की जो मिल्किंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बेटा रख दो, यहीं रख दो, ठीक है, लीटर और वो ले आओ खाली बाल्टी। कृष्ण जी एक बार इसका निकल जाता है, उधर ही चलते हैं, आप भी क्यों भीग जाओगे फिर, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो ये देखिए जी, मिल्किंग वीडियो आपको दिखाई और
एक पशुधन का जो दूध है वो बाल्टी में ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, एक और पशुधन अभी बचता है, तो देखेंगे क्या कुछ दूध, क्या कुछ जानकारी जो इन्होंने दी थी उन पे, उम्मीदों पे जो पशुधन है वो खरा उतर पाता है या नहीं। दोनों को ले चलो बेटा उधर ही। तो सबसे पहले जिनका जिनके नीचे या अच्छा जिनके नीचे 8 लीटर आप बता रहे थे तीसरे नंबर वाली बस, ठीक है। एक दो तीन ये देखें जी 4 बहुत बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं। 8 लीटर आपने बताया था है ना, ठीक है ठीक है। एक दो तीन चार और 4 से 100-200 ग्राम है, बिल्कुल है। इसमें 9 बताया, ठीक कोई बात नहीं सर। दो 5 से 6 पशु दिखाए मैंने कृष्ण जी के यहाँ से, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशु पालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।